अभी अभी एक न्यू रेस्क्यू हमारे पास आया है। ये गाय आई है हमारे पास कांगड़ा से। रविंदर जी ने हमें इसके बारे में बताया था। इसके साथ साथ इसका छोटा सा बछड़ा भी आया, बहुत क्यूट सा। हेलो। इसका बछड़ा इसलिए साथ में लेके आया क्योंकि ऑब्वियसली हमारी टीम उसे अकेले तो छोड़ नहीं सकती थी। इसको बहुत बड़ा वुंड है अपनी शोल्डर पे। ऐसा लग रहा है लोगों ने हल्दी से इसकी ट्रीटमेंट करी है। काफ भी थोड़ा वीक है और इसके आईज में भी काफी डिस्चार्ज है। मैंने एक बार आप लोगों को बोला था कि मैं आपको सारी बात 90-95% ईमानदारी के साथ बता देता हूँ, पर जहाँ पे किसी की भावनाओं के आहत होने का खतरा हो उसको हम थोड़ा दबा देते हैं। दिवाली से पहले एक ऐसी चीज़ हुई जो हमने आपको पिछले अपडेट में बताई नहीं। 2 तारीख को हमारे यहाँ दिवाली पार्टी थी, 3 तारीख को छोटी दिवाली वाली रात को सुरीली को सांप काट गया और यह हमें पता लगा दिवाली वाले दिन सुबह। आप भी हमारे परिवार का हिस्सा है, सुरीली भी हमारे परिवार का हिस्सा थी, तो ये बताना आपको जरूरी था। आई एम सॉरी कि हमने आपको ये पिछले हफ्ते बताया नहीं। मैं बस एनिमल एरिया से निकली थी और मेरे को ये दिख रहा है गौरव ने इसकी बहुत अच्छी बिना लीश के साथ ट्रेनिंग की है। हाय मैक्स, सिट, स्टे डाउन, गुड बॉय, स्टे, वेरी गुड। ये ट्रेनिंग वीडियो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, हमने और भी ट्रेनिंग क्लिप इस वीडियो में डाली है, इसलिए इस अपडेट को देखते रहिए। ये थोड़ी खतरनाक है तो मैं इसके पास ज्यादा नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है। इसका जो बछड़ा है इसको कंजेशन है, ये सर्दी की वजह से भी हो सकता है। अभी अभी बैजनाथ से एक गाय रेस्क्यू होके आई है, इसको पेट के नीचे बेचारी को बहुत बड़ा मैगेट वुंड है। नमन जी और प्रज्वल जी इसको यहाँ पे लेकर आए हैं। ये गाय बैजनाथ में 3-4 साल से थी, जितने भी यूथ है वो सब इसका ध्यान रखता था। 3-4 दिन से गायब हो चुकी थी, हमें कल ही मिली थी ये, और इसके पेट में लोहे का तार फंस चुका था जिसकी वजह से पेट फट गया। मुझे एक बहुत बड़ा मैगेट वुंड दिख रहा है इसके पेट के समय। फिलहाल तो हम जाके पहले मैगेट्स निकालेंगे, ऐसे ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, बाकी चीजें तो प्रॉपर चेकअप के बाद ही पता चल पाएगी। भाई वो चिंगारी है, चिंगारी हमारी शर्माती है बहुत, हमारे पास धड़म से आई है। इसको पीछे वाली एक टांग में हील्ड फ्रैक्चर है और साथ ही में इसको एक वुंड है जिसका अभी हम श्योर नहीं है कि ये एक वुंड है या फिर ह्यूमरस ग्रोथ है। हमारे पास यहाँ पे जितने भी हॉर्सेज या म्यूल्स इन सबकी टांगे या तो बेंट है टांगे या बहुत ज्यादा कमजोर है या फिर कुछ ऐसी टांगे जो जमीन पे ही नहीं पड़ती। इसका रीजन ये है कि जरूरत से ज्यादा बोझ इनसे पूरी जिंदगी उठवाया जाता है और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है, फिर इन्हें पता नहीं है कि इनको खाना कौन ला के देगा या ये अपना गुजारा कैसे करेंगे। ये हमारे ऑफिस के ठीक सामने पता नहीं है क्या लटका हुआ है, मैं रॉबिन से पूछती हूँ क्योंकि रॉबिन इस काम को अंजाम दे रहे हैं। ये एक्स्ट्रा स्कोबीज हैं, ये हम सुखा रहे हैं बिकॉज स्कोबी से एक लेदर लाइक सब्सटेंस बन जाता है सूख के। क्या मैं टच कर सकती हूँ? और इसके फिर हम डॉग टॉयज भी बना सकते हैं, लैंप्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये मतलब हार्ड जैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, कर रहे हैं। रॉबिन के ये वो वाली स्कोबी है जिसे हम कम्बुजा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे हम कईयों को डिस्कार्ड कर देते हैं ना, ये वो वाले हैं। जो गाय हमारे पास बैजनाथ से रेस्क्यू होके आई थी उसकी पेट के ऊपर एक वुंड था, उसका इलाज तो चल रहा है लेकिन हमें ये भी पता चला है कि वो प्रेग्नेंट भी है। जब हम इसके मैगेट वुंड का इलाज कर रहे थे ना तब हमने इसका प्रॉपर बॉडी चेकअप किया, उसके बाद ये भी फाइनल हुआ कि भाई ये 7 से 7.5 महीना इसका प्रेग्नेंसी को हो चुका है, 2 महीना और बचा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसकी मेडिकेशन रख रहे हैं। हमारे साथ एक और सदस्य जुड़े हैं परमानेंटली, वो पहले भी यहाँ पे वॉलंटियरिंग करने आए थे लेकिन अब यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म रुक रहे हैं, जिनका नाम है अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अनिरुद्ध दिल्ली से हैं, ये मैं आपको बताना भूल गई थी। पीपल फार्म में एडमिन का जितना काम होता है वो सारा संभालेंगे, अब इनके कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस हफ्ते हमारे पास एक और डॉग आई है जो इतनी क्यूट है, उसका नाम हमने रखा है गुदगुदी। इस डॉग को टिक फीवर के लिए पहले यहाँ पे जो इसके ओनर है वो लेकर आए थे, सारा कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन वो लोग ढंग से ध्यान नहीं दे पा रहे थे। टिक फीवर के समय में ना डॉग को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, अब उन लोगों ने खाना पीना भी ठीक से नहीं रखा जिसकी वजह से दिन पर दिन इसका तबीयत और बिगड़ता गया। पीछे के हिस्से में सेमी पैरालिसिस है, सेंसेस तो है लेकिन फिर भी ये अपना बॉडी पूरा बैलेंस नहीं कर पाती है, तो जिसकी वजह से हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट तो किया है। इसका रिकवरी का चांस हम श्योर नहीं है 100%, जिस घर से इस हालत में आई है उस घर में वापस देना तो ठीक नहीं होगा, जैसे ही ठीक होगी फिर हम अडॉप्शन में इसको पुट करेंगे। संजय जी, जिसने गुदगुदी को यहाँ छोड़ा है हमारे पास वो पहले भी लाया हुआ है, पहले 2 दिन कुत्ते लाया था, वो कहता है नहीं अंकल हम तो इनको अपने घर में रखते हैं, सेवा करते हैं, पर सेवा नहीं करते, वो मुझे शिकारी ही कराते हैं। हाँ सेवा करते तो ऐसी थोड़ी होती है। और उसने जाती बार ये बोला था कि मैं इसको दे रहा अडॉप्ट भी मैं ही करूँगा,
मैंने उसे मना करा था कि डॉप टॉप तेरे को तो बेटा मिलने वाली नहीं है ये। जब हम कमेंट ऑफ द वीक ढूंढने के लिए कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो एक कमेंट अक्सर ऐसा आता है जिसको देख के शाइनी हमेशा शर्मा जाती है। ये शाइनी आपको बताएगी, शाइनी जी आई लव यू, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। पर ये जो आपको नहीं बता रही वो ये कि इसकी सगाई हो गई है और अगले साल इसकी शादी हो जाएगी। अभी हम बेटी जी मीमी इन सब से मिलने जा रहे हैं, संजू बाबा से। इनको थोड़ा क्वारंटीन करके रखा है। ओ बेटी जी, हेलो, कैसी हो? हाय मीमी, हाय संजू बाबा। FMD एक जो डिजीज है, FMD मतलब फुट एंड माउथ डिजीज, हिंदी में खुर मुहा भी बोलते हैं। ये एक वायरल डिजीज है जो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफर होता है, स्पेशली सलाइवा के थ्रू। ये सिर्फ हूफ्ड एनिमल्स जिनके हूफ्स होते हैं खुर उनको ही होते हैं। अच्छी बात यह है कि सुधार हो रहा है और बहुत जल्दी ये तीनों हमारे जो फार्म के चंचल बच्चे ये ठीक हो जाएंगे। हम एनिमल एरिया एंटर करते हैं और ये तीनों नहीं दिखते हैं ना, बुरा सा लगता है। स्पेशली बेटी जी। ये प्यारी सी छोटी सी पपी आई है अभी अभी हमारे पास, चंबी से आई है ये। उस पपी को रेस्क्यू करने के लिए एक लेडी वहाँ से पास हो रही थी तब उनको आवाज़ आई बस, और पलट के देखा तो इसको एक गाड़ी टक्कर मार गई थी। और एक्सीडेंट की वजह से ये लंगड़ा के चल रही है अभी। इसकी मेडिकेशन तो शुरू हो गई है पर इसको 4-5 दिन ठीक होने में लगेंगे। होपफुली अडॉप्ट भी हो जाए, लेकिन ये फीमेल है जिसका हमें दुख है, और वो इसलिए क्योंकि फीमेल पपीज अडॉप्ट नहीं करते हो यार आप लोग। अगर आप हमारे फिल्म मेकर तुषार की स्ट्रगल्स देखना चाहेंगे कि वो किस तरह से पपीज की फोटोज और वीडियोज लेते हैं तो ये देखिए। तुषार आप क्या कोशिश कर रहे हो? हम चाह रहे हैं कि ये हमारे कैमरे में देखे, जब ये कैमरे में देखते हैं और इनकी आँखें बेसिकली लोगों को देख रही होती है तो लोग और कनेक्ट कर पाते हैं एनिमल से। हमारे पास यहाँ पे एक डॉग था जिसका नाम था दबंग, उसकी फैमिली ने हमारे पास छोड़ा था, और वो इसलिए क्योंकि वो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा चैलेंज था। वो कभी अपनी पूंछ पे गुस्सा करता था, कभी अपने पंजे को देख के गुस्सा करता था, जिसका कारण हमें यही समझ में आया कि भाई उसको दिन भर केज में रखा जाता था, इचिंग के इश्यूज हो गए थे पूंछ में, जो गैंग्रीन था उसकी वजह से वो दिन भर इरिटेटेड रहता था। कुछ दिन बाद हमें ये भी पता चला कि भाई उसको लिवर डैमेज है काफ़ी ज़्यादा, जब बाइट उसका बढ़ चुका था कि वो जो लिवर डैमेज की वजह से जो पैरों में स्वेलिंग थी वो उसको भी काटता था और घाव गहरे होते जा रहे थे। ट्रीटमेंट हमने चलाया हुआ था, डायरिया भी उसको लगा था, तो उसके बाद अचानक अभी 2 दिन पहले उसकी डेथ हो गई। हमें डॉक्टर चौधरी ने ज्वाइन किया है, ये वेट है नगरोटा से, जो हमारे एनिमल्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके, इतने एनिमल्स के बीच में इतने बेसहारा जानवरों की हेल्प करने का मौका मिल रहा है। ये छोटू सा बछड़ा हमारे पास आया है चंबी से। अरमान जी हमारे गांव में ही रहते हैं, धनोटू सिंह है वो, तो उन्होंने इस काफ के बारे में हमें बताया था। उसके गले में एक रस्सी उन्होंने देखी थी, उसको उसी दिन किसी ने अबैंडन वहाँ पे मेन रोड पे किया था। अब वो रस्सी खोलने गए तो ये डर के मारे आगे भाग गया और गाड़ी से भिड़ गया, जिसकी वजह से इसके पिछले पैर में काफ़ी दर्द था। उसके लिए तो रात में ही हमने पेन किलर लगा दिया था और सुबह जाकर हम इसे यहाँ पर ले आए हैं। अब तो पेन इसको बिल्कुल है नहीं पैरों में और ये अब ठीक है। मैं हूँ गौरव भैया और तंत्री द मंत्री के साथ। गौरव भैया तंत्री को ये सिखा रहे हैं कि बैठा कैसे जाता है। जब आप एक पपी को सिट सिखाते हैं तो उसके लिए आपके पास पहली चीज होनी चाहिए बहुत सारी ट्रीट्स। गौरव भैया इसको ट्रीट दिखाएंगे और तब तक ट्रीट इसे नहीं देंगे जब तक ये बैठेगा नहीं, और ट्रीट दिखाते दिखाते इसको बोलेंगे सिट ताकि ये समझ जाए कि बैठना है। ये देखिए ये बैठ गया है सिट बोलते ही, और ट्रीट उनके हाथ में है। मैं इसको बोलूंगा डाउन। आप गौरव भैया इसको डाउन बोलेंगे तो ये नीचे हो जाएगा और तभी से पता है कि इसे ट्रीट मिलेगी। डाउन, डाउन। ये देखो कैसे मैक्स ट्रीट को देखते देखते डाउन हुआ है और अभी से ट्रीट मिल गई है। तो अगर आपके घर में डॉग्स हैं पपीज हैं आप भी ये ट्राई कीजिएगा। ये याद रहेगी एक बार या दो बार में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, आपको बार बार प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। ये ट्रेनिंग क्लिप आपको कैसा लगा और ये आपके कितना यूज़फुल है ये आप कमेंट्स में हमें बताइएगा। हमने YouTube पे एक पोल डाला था जिसमें हमने आपसे पूछा था कि वोट कीजिए और बताइए कि आपको पीपल फार्म में फेवरेट कौन सा एनिमल है। 53% लोगों की फेवरेट है ये मोहतरमा बेटी जी। बेटी जी आप फेवरेट हो बहुत सारे लोगों की। और टोफू है 27% लोगों की पसंद। अगर आप इसी तरह उन्हें और प्यार देना चाहते हैं तो दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इस हफ्ते हमारे पास एक डॉग है चड़ी से, जिसके बारे में हमें नितेश जी ने बताया था। सर में बहुत बड़ा मैगेट वुंड है, कान लगभग उसका खा चुके हैं मैगेट। डॉग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था तो हम लोग बस वहाँ जाकर उसे तुरंत हम इसे यहाँ ले आए।
जगह नहीं होने की वजह से अभी तो फिलहाल केज में शिफ्ट कर रखा है। शायद डॉग अबैंडन हो सकता है या भागा हुआ भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी फ्रेंडली डॉग है, रिकवरी भी अच्छी हो रही है उसकी। लास्ट टाइम हमने अपडेट में आपको सलोनी की स्टोरी बताई थी कि वो यहाँ कैसे पहुँची, आज बारी है रवीना की। मैं पहले बॉम्बे में काम करती थी, मैंने सोचा कि मैं ट्रैवल करूँगी, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ट्रैवल टू फाइंड योरसेल्फ, तो मैं ट्रैवल करना स्टार्ट किया। जब मैं हिमाचल में थी धर्मशाला में, मैंने एक पोस्टर देखा कि यहाँ पे वॉलंटियर कर सकते हैं विद एनिमल्स, तो एक दिन गई और फिर एक महीने मैंने ऐसे वॉलंटियर किया और तब से मैं यहाँ पर ही हूँ। तो रवीना ने इस एक साल में क्या सीखा है? अगर मैं एनिमल लवर हूँ तो फिर मैं एनिमल्स को खाती क्यों? रवीना जो अपने जीवन में बदलाव लाई वो तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा होने की वजह से काफ़ी मुश्किल भी है। मुझे लगता है अगर हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव भी ला पाएं उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे अक्सर एक फीडबैक मिला करता था कि भाई आपको रॉबिन जी अप्रोच करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आप हमेशा संजीदा लगते हो या गुस्से में लगते हो। तो तेंजिन ने मुझे एक समाधान सुझाया कि भाई जब आपका लोगों से आई कॉन्टैक्ट हो, जब आपकी नज़रें उनसे मिलें तो एक स्माइल पास कर दो। बड़ा छोटा सा सजेशन था तो मैंने इम्प्लीमेंट किया और मेरा लोगों से इंट्रैक्शन बिल्कुल बदल गया। इनफैक्ट अब मैं फार्म से बाहर जाता हूँ, जब मुझे स्ट्रेंजर्स मिलते हैं उनको भी मैं गुड मॉर्निंग बोल दूंगा या हाय बोल दूंगा या स्माइल पास करूंगा, और वो भी 50% टाइम मुझे पलट के गुड मॉर्निंग बोल देंगे या स्माइल करेंगे। मुझे बहुत से ऐसे लोग दिखते हैं जो मेरी तरह गुस्से में दिखते हैं या नाराज़ दिखते हैं, एंड आई एम श्योर वो भी होंगे नहीं, तो मुझे लगता है तेंजिन का सुझाया हुआ समाधान वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है, मुझे नहीं पता कि लड़कियों के लिए कितना प्रैक्टिकल है, क्योंकि चंद लोगों का मानना है ना कि हंसी तो फंसी, तो मुझे नहीं पता कि क्या लड़कियां ऐसा कर सकती हैं या नहीं। खैर, आपका इस बारे में क्या कहना है आप कमेंट्स में बताइएगा। बाय।